वैसे तो महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन आजकल महाराष्ट्र के नेता भी खूब चर्चा में हैं। जहां लोकसभा चुनाव इस बार महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा झटका लगा, वहीं कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 14 सीटें जीतकर भाजपा को बैकफुट पर भेज दिया है। इस सब खुशियों के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले विवादों में घिर गए हैं। पटोले का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक शख्स से पैर धुलवाते दिख रहे हैं। उनके वायरल वीडियो पर बीजेपी ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तंज कसते हुए कहा कि ये दिखाता है कि इस पार्टी की विचारधारा में गुलामी रची बसी है। बताया जा रहा है कि पटोले सोमवार को अकोला जिले के दौरे पर थे, जहां बड़े गांव में संत श्री गजानन महाराज की पालकी भी रुकी हुई थी। पटोले पालकी का दर्शन करने के लिए बड़े गांव पहुंचे। इस बीच बारिश भी हो रही थी। पटोले अपनी कार से उतरकर पालकी के पास पहुंचे और दर्शन पूजन किए। वहां मौजूद गरीब महिलाओं को साड़ी और कपड़े बांटे। इसके बाद वापस अपनी कार के पास पहुंचे। कार में बैठने से पहले एक शख्स पानी लेकर पहुंचा और अपने हाथ से पटोले के पैर धोने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि पटोले दोनों पैर बाहर कर कार की अगली सीट पर बैठे हुए हैं। वहीं एक शख्स पानी से उनका पैर धोता हुआ नजर आ रहा है। आसपास पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी खड़े नजर आ रहे हैं। गोयल के अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता केशव उपाध्याय ने भी पटोले पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या नाना पटोले खुद को भगवान समझते हैं। वहीं बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि वो इसकी निंदा करते हैं। प्रदेश की राजनीति संस्कृति को धूमिल किया जा रहा है, ऐसा करना समंतवाद को बढ़ावा देने जैसा है। पटोले को इस्तीफा दे देना चाहिए। वायरल वीडियो पर पटोले की सफाई भी सामने आई है। पटोले ने कहा कि बड़े गांव में श्री गजानन महाराज की पालकी का मैं दर्शन करने के लिए पहुंचा था। बारिश की वजह से वहां कीचड़ था। पालकी का दर्शन करने के बाद पार्टी का एक कार्यकर्ता आया और मेरे पैरों पर पानी डाला और मैंने अपने पैर धोए।